सिर्फ एक कीवर्ड को टाइप करना है और आपका पूरे का पूरा आर्टिकल रेडी। ओके, 100% यूनिक आपका आर्टिकल होगा। उसके अलावा आपने सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करना है, आपका पूरे का पूरा आर्टिकल रेडी। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, कुछ भी ज्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं, अपना माइंड चलाने की जरूरत नहीं। आपने एक कीवर्ड टाइप किया, उसके रिलेटेड आपको काफी सारे यानी 3 आर्टिकल आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन 3 आर्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, उनमें से एक आपने यूज करना है अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, जहां भी आप पोस्ट करना चाहो वहां पे कर देना। ओके, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कैसे आपने इसे यूज करना है, उससे पहले आप एक बात समझ लो, अपने माइंड में बिठा लो। जब तक आपका आर्टिकल यूनिक नहीं होगा आपको व्यूज नहीं मिलेगा। ओके, आपका आर्टिकल गूगल की सर्च में रैंक नहीं करने वाला। ओके, जब तक आप एक यूनिक आर्टिकल नहीं लिखते आप रैंक नहीं करवा सकते अपने आर्टिकल को गूगल की सर्च में। इसलिए मैं आपको कहता हूं एक यूनिक आर्टिकल लिखो, खुद से लिखो, तभी आपका बेनिफिट होगा, तभी आपको व्यूज आने वाले हैं गूगल की सर्च से। लेकिन इस वीडियो में जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, इससे अच्छा वे मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आपने सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करना है तो आपको उस कीवर्ड के ऊपर यूनिक आर्टिकल मिलेगा, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल मिलेगा। 3 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 3 से ज्यादा चाहते हो तो आपको वहां पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आपने पे नहीं करना, आपने फ्री में वहां पे काम करना। ओके, 3 आर्टिकल, उनमें से एक आपने यूज करना है। पहले आपको यूनिक आर्टिकल लिखना पता होगा, यानी आपने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा, उस पे आपको पूरे का पूरा यूनिक आर्टिकल मिला। फिर उस यूनिक आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करूंगा, एक वेबसाइट पे जाएगा प्लैगरिज्म की। ओके, वहां पे उसका प्लैगरिज्म चेक करेंगे, वो कितना प्लैगरिज्म उसका बताता है, यूनिक कितने परसेंट आपको बताता है, सारे का सारा इसी एक वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, कोई और बंदा ऐसी बात आपको नहीं सिखाएगा। ओके, तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इस फेस को पहली दफा देख रहे हो तो अभी चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बने बेल आइकन को दबा देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए गाइस बगैर टाइम को वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने यूनिक आर्टिकल को कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है, यहाँ पे गाइस आपने आ जाना है अपने गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है आर्टिकल जनरेटर। यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे आर्टिकल जनरेटर मिल जाएंगे, लेकिन जो यूनिक आर्टिकल जनरेटर है वो सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन मैं आपको प्रीमियम का नहीं बताने वाला, यहाँ फ्री का बताने वाला हूँ। आपने यहाँ आ जाना है होम पे। होम पे आने के बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने यहाँ पे कीवर्ड टाइप करना है, जिस कीवर्ड पे आप चाहते हैं आर्टिकल लिखना। यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड आपने टाइप कर देना है, जिस कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने थर्ड वन पे यहाँ लैंग्वेज सेट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख ले यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ हाउ मैनी आर्टिकल, कि आपको कितने आर्टिकल शो हो। यहाँ पे अगर आप 3 तक रखते हैं तो आपको फ्री में मिलता है, 3 से ज्यादा करते हैं तो आपको पेड देना पड़ेगा, यानी कि पे करना पड़ेगा इस वेबसाइट को। तो आप 3 पे रहने दे गाइस, 3 पे बहुत बेहतरीन आर्टिकल आपको मिल जाएगा। यहाँ जनरेट आर्टिकल पे आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको 3 तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे, सेम इसी कीवर्ड पे, इसी टॉपिक पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये जरा लोडिंग लेता है। लीजिए गाइस, हमारे पास यहाँ पे 3 आर्टिकल आ चुके हैं। ये देखिए गाइस, हमारे पास 3 आर्टिकल आ चुके हैं। यहाँ से अब आपने कैसे पता करना है कि आपका ये आर्टिकल यूनिक है कि नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ से कोई किसी भी एक आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है गाइस। आपने इसे कंप्लीट आर्टिकल को, इस आर्टिकल को कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, इस आर्टिकल को आपने क्या करना है, आपने गूगल में टाइप करना है चेक प्लैगरिज्म। टाइप करने के बाद आपके सामने थर्ड वन पे आ रहा है duplichecker.com। आपने इस वेबसाइट को कर लेना है ओपन, ये टोटली 100% फ्री आपको मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने उस टेस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइस आपने क्या करना है,
यहाँ पे अगर 1000 वर्ड से कम का आर्टिकल आपका होगा तो ये फ्री में होगा, अगर 1000 से ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन 1000 तक आपने देख लेना है आपका आर्टिकल 1000 से ऊपर ना जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक प्लैगरिज्म आएगा, चेक प्लैगरिज्म पे आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए गाइज ये थोड़ी लोडिंग लेगा, स्कैन करेगा पूरे आर्टिकल को कि ये कितने परसेंट यूनिक है। आपने देख लेना है आपका आर्टिकल कम से कम 85% यूनिक होना चाहिए। तो देखते हैं गाइज हमारा ये आर्टिकल कितने परसेंट यूनिक है। तो लीजिए गाइज हमें यहाँ पे अपनी यूनिक आर्टिकल की यूनिकनेस मिल चुकी है। ये देखिए गाइज हमारा आर्टिकल 86% यूनिक है। तो कोशिश करनी है आपका आर्टिकल जो है 100 पे जाए, अगर 100 पे नहीं जाता तो 80 अबव भी आपको ठीक है, दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे आपका आर्टिकल रैंक होने लग जाएगा। कम से कम आपके आर्टिकल को रैंक होने में 1 महीना 15 दिन लगेंगे, इसलिए कोई भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं तो 1 महीना 15 दिन पहले लिखे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, यूनिक आर्टिकल कैसे राइट करें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। तो गाइस कैसी लगी है आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आपके लिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ सकूं। ओके तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं।